चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खराब था। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक पदों पर काम किया और देश, समाज और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर सभी नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सपा नेता मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा। कल दिनांक 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सैफई में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। इस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर नेताजी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है, साथ ही उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। सीएम योगी ने सपा नेता मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाज पर स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व आरएम समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वे सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। दुख की इस घड़ी में शाह ने उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता के इस हफ्ते सेवानिवृत्त होने से पहले इस फैसला सुना सकता है। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिन तक इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं पर इस हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है क्योंकि पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। 33वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की तैराक चाहत अरोड़ा ने 2 नए नेशनल रिकॉर्डों के साथ 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर तैराकी खेल में पंजाब को राष्ट्रीय खेल के नक्शे पर उभारा है। जूडो और साइकिलिंग में 1-1 स्वर्ण पदक के साथ जूडो में 5 रजत पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेलों में पंजाब ने अब तक 17 स्वर्ण, 27 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ कुल 66 पदक जीते हैं। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेयर ने चाहत अरोड़ा को बधाई देते हुए कहा कि चाहत अरोड़ा को ही स्वर्णिम उपलब्धि के साथ पंजाब में तैराकी के खेल को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के जोधपुर जिले में हुए दर्दनाक हादसे में 5 बच्चे बांध में डूब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया, लेकिन 3 की बांध में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक बच्चों के घरों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के शिकार हुए बच्चों के शव स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सभी मृतकों की उम्र करीब 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और उस पर उसे बचाने के लिए एक के बाद एक चार अन्य बच्चे भी उसमें कूद गए, लेकिन किसी को तैरना नहीं आता था, इसलिए 5ों ही बाहर नहीं निकल पाए। इस पर 6 बच्चे ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसकी सूचना पर पुलिस सिविल डिफेंस और गोताखोरी टीमों के साथ मौके पर पहुंची। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक
इन पहाड़ी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 12 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी से राज्य में तापमान कम हो सकता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।